सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे सीसीईटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ की। तो सीसीईटी चंडीगढ़ हमारे चंडीगढ़ में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, लेकिन इंजीनियरिंग इनमें 2002 में चालू हुई। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू कर आज की इस वीडियो में भी, सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास 2023 का ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जिसमें बता रखा गया है लाइक सिविल इंजीनियरिंग में 21.7% प्लेसमेंट परसेंटेज रहा, मैकेनिकल में 47.5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 77.2, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 78.9%। अब अगर बात कर ले मीडियन पैकेज की, तो आपके सिविल में 3.5 एलपीए रहा, कंप्यूटर साइंस में 7.2 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 एलपीए और मैकेनिकल में 6.75 एलपीए। बात कर ले अगर एवरेज पैकेज की, तो सिविल में 4.3 एलपीए, कंप्यूटर साइंस में 7.81 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6.42 एलपीए और वहीं मैकेनिकल में 6.25 एलपीए। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेंस 2021, 22 और 23 लास्ट राउंड के जनरल स्टूडेंट के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले अपने होम स्टेट कोटा चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 1,02,490 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। और अभी जो आप डेटा देख रहे हो, ये आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए है। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आप जो ऊपर में देख रहे हो आपके पर सेमेस्टर का ट्यूशन और बाकी सारे फी स्ट्रक्चर है, मतलब हॉस्टल और मेस छोड़कर जो भी लग रहा होता है, इन टोटल पर सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर दे रखा गया है। और उसके बाद जो आप देख पा रहे हो आपका हॉस्टल प्लस मेस पर ईयर का फी स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका मेस जो पर मंथ अलग से लग रहा होता है वो नहीं है, मेस एमिनिटीज है, बट इसके अलावा मेस जो पर मंथ लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे 3,300 पर मंथ है, कुछ आपके 2,400 पर मंथ बता रहे हैं, कुछ 4,000 पर मंथ बता रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर हम मानकर चले 3,500 पर मंथ भी, उस केस में आपका हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी भी आपका 4,500 के आसपास निपट जा रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा सीसीईटी चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपके प्रॉपर चंडीगढ़ के सिटी लोकेशन में बढ़िया एक लोकेशन है, जहां पर हैंग आउट करने के लिए बहुत सारे प्लेसेज हैं। 46 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। बहुत जगह 32 एकर्स भी स्टूडेंट के मुंह से सुनोगे, या फिर बहुत जगह 32 एकर्स बता रखा गया है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर 46 एकर्स लिख रखा गया है। अब जैसा मैंने बोला कि बीटेक डिग्री आपके 2002 से चालू है, उसके पहले आपके डिप्लोमा कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ चला करते थे, तो आपको दो विंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, एकेडमिक्स में आपको दो विंग्स देखने को मिलेंगे, एक डिप्लोमा विंग और एक डिग्री विंग। बीटेक के कोर्सेज आपके डिग्री विंग में चल रहे होंगे, जिसके दो पर्टिकुलर ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक में आपका सिविल और मैकेनिकल है, यानी कि एक बिल्डिंग में सिविल और मैकेनिकल है और एक बिल्डिंग में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है। अब स्टूडेंट्स बता रहे थे कि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, बट खैर कोई नहीं, एक नया बिल्डिंग और बन रहा है, जो कि स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स सीसीटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कब तक आपके बिल्डिंग्स बनने के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस बताए जा रहे हैं। बात कर लेकर हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो कि सभी को नहीं मिल रहे होते, जिनको नहीं मिल पाए आप आसपास में पीजी और रेंटेड रूम्स अवेलेबल है, वहां भी रह सकते हो, अफोर्डेबल रेट्स पर अवेलेबल है, बट मेरिट बेसिस पे आपको रूम्स, हॉस्टल रूम्स देखने को मिल रहे होंगे, जिनमें बॉयज के लिए 4 सीटर रूम्स बताए गए और गर्ल्स के लिए 2 सीटर रूम्स। अगर बात कर ले किस प्रकार के आपके हॉस्टल फैसिलिटीज है, तो क्लीनलीनेस की थोड़ी सी कमी बताई गई है, मतलब थोड़े से रेनोवेशन की जरूरत है, थोड़े से ओल्ड आपको देखने को लग सकते हैं। मेस फूड की अगर बात कर ले, तो हर एक एवरेज मेस की तरह ही मेस फूड बताया गया, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर वेजिटेरियन मेस देखने को मिलेगा, जिसमें दिन में 3 बार मील्स बताए जा रहे होते हैं। अब अगर इसी के साथ हम बात कर ले कि हमारे क्लासरूम किस प्रकार के हैं, तो प्रॉपर प्रोजेक्टर्स के फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्लैंटेड वाले आपके सेटिंग अरेंजमेंट्स हैं, स्टेयरकेस टाइप वाले, लेकिन मुझे इनके कैंपस टूर वीडियोस में कहीं भी एसी की फैसिलिटी नहीं दिखी है क्लासरूम्स में। बट अगर किन्हीं किन्हीं क्लासरूम में एसी की फैसिलिटी है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें, जो भी स्टूडेंट सीसीईटी से इस वीडियो देख रहे हैं। बात कर लेकर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो हर मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल करा रखा गया है, लाइक आपका जो भी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी सारी चीजें हैं, मतलब स्पोर्ट्स में कहीं कुछ खास दिक्कत नहीं आ रही होगी। और इसी के साथ अगर बात कर ले हमारे क्लब्स में, तो लगभग आपको हर बड़े मेजर जितने भी आपके टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स होते हैं, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ आपको देखने को मिल जा रहा होता है आपके कुछ इवेंट्स, फेस्ट भी हो जाते हैं,
बट इतने बड़े लेवल पे नहीं होते, डिसेंट एक एवरेज है कि कुछ ना कुछ आपका कल्चरल लाइफ भी कट जा रहा होगा, कॉलेज लाइफ भी ठीक ठाक हो जा रहा होगा, बहुत बड़े लेवल पर नहीं होते हैं। कैंटीन इनका है लेकिन बहुत बार कैंटीन बंद बताए जाते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर कैंटीन हमेशा खुले रहे तो ज्यादा बढ़िया होगा। बट अगर आपको प्रॉपरली हैंगआउट करने के लिए जगह चाहिए तो कैंपस आपके प्रॉपर सिटी एरिया में लोकेटेड है, तो सिटी के आसपास कहीं भी जा सकते हो, हैंगआउट प्लेसेस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ बात कर ले अगर कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर दूर बताया गया है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 किलोमीटर दूर बताया जा रहा होता है। इसी के साथ अगर बात कर ले कि अटेंडेंस पॉलिसी थोड़ा सा ज्यादा 75% स्ट्रिक्ट बताया जा रहा होता है। तो यही सारी चीजें हमारे कॉलेज लाइफ को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट सीसीईटी चंडीगढ़ से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द कर सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।